नमस्कार, हम सीएलएफ कट ऑफ में इक्विटी एंट्री करने जा रहे हैं। इक्विटी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एजीवाई, एंटरप्राइज फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आपको दिखाई दे रहा होगा। जो जो आपके फंड हैं, आपके सीएलएफ पे जितने तरह के फंड हैं आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। हमारे सीएलएफ के पास सीआईएफ है 10 लाख रुपए। ये एंट्री हमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। आपके सीएलएफ में जितना भी सीआईएफ होगा आप टोटल एंट्री करेंगे। ग्रीन टिक पे क्लिक करके आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। हमारी एंट्री सेव हो गई है, समरी भी बन रही है। बैक चलते हैं। हमारे पास वीआरएफ है, वीआरएफ की हम एंट्री कर लेते हैं। 2 लाख रुपए हमारे पास वीआरएफ अमाउंट है। ग्रीन टिक पे क्लिक करके सेव आपको करना है तो आपकी एंट्रियां सेव होंगी। सेम प्रोसेस सभी एंट्रियों के साथ दिया गया है। समरी यहाँ पे बन रही है। बैक चलते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फॉर पीजी और पीई यहाँ पे दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल फॉर पीजी हमारा 1.5 लाख रुपए था, जो हमने अभी एक्टिव लोन पे भी दिखाया है। एक्टिव लोन एंट्री हमने एक पीजी पे की है। तो पहले हमारे पास एसआरएलएम से हमने रिसीव किया होगा, तभी हमने पीजी को दिया होगा। तो यहाँ पे वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, वहां पे हमने करंट एसेट्स में एंट्री की, वहां पे हमने लोन के रूप में पीजी ग्रुप को दे रखा था। ग्रीन टिक पे क्लिक कर दिया है मैंने, एंट्री को सेव कर दिया है। यहाँ पे हमारी एंट्री सेव हो गई है। ये वर्किंग कैपिटल था और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर पीजी। पीजी के लिए हमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें से 1.5 लाख रुपए हम ऋण के रूप में देते हैं और 50,000 रुपए उनको फंड के रूप में देते हैं, जिसकी वापसी नहीं आनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर पीजी ये भी हमें एंट्री करना है और 50,000 रुपए का अमाउंट हमारे सीएलएफ में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी है। तो मैं एंट्री कर रही हूँ, वही सेम प्रोसेस। ग्रीन टिक पे क्लिक करते हुए एंट्री को हम सेव कर दें। हमारी डिटेल सेव हो रही है। इस तरह से जितनी भी आपकी इक्विटी होगी आप एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल भी है, सरप्लस एंड डेफिसिट यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, स्टार्टअप फंड और स्टार्टअप फंड कैपिटल और रेकरिंग, के बारे में भी हम जानेंगे। धन्यवाद।